इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 13। इतिहास की पुस्तक दूसरा भाग अध्याय 13। अबिय्याह का राज्य। यारोबाम के 18वें वर्ष में अबिय्याह यहूदा पर राज्य करने लगा। वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम मिकायाह था, जो गिबावासी उरियल की बेटी थी। और अबिय्याह और यारोबाम के बीच में लड़ाई हुई। अबिय्याह ने तो बड़े योद्धाओं का दल अर्थात 400,000 छठे हुए पुरुष लेकर लड़ने के लिए पांति बंधाई, और यारोबाम ने 800,000 छठे हुए पुरुष जो बड़े शूरवीर थे लेकर उसके विरुद्ध पांति बंधाई। तब अबिय्याह समारेम नाम पहाड़ पर, जो एप्रेम के पहाड़ी देश में है, खड़ा होकर कहने लगा, हे यारोबाम, हे सब इसराइलियों, सुनो। क्या तुमको न जानना चाहिए कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने लोन वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इसराइल का राज्य सदा के लिए दे दिया है? तो भी नबात का पुत्र यारोबाम, जो दाऊद के पुत्र सुलेमान का कर्मचारी था, वह अपने स्वामी के विरुद्ध उठा है और उसके पास हल्के और ओछे मनुष्य इकट्ठा हो गए हैं। और जब सुलेमान का पुत्र रहुबियाम लड़का और अल्हड़ मन का था और उसका सामना न कर सकता था, तब वे उसके विरुद्ध सामर्थ्य हो गए। और अब तुम सोचते हो कि हम यहोवा के राज्य का सामना करेंगे, जो दाऊद की संतान के हाथ में है, क्योंकि तुम सब मिलकर बड़ा समाज बन गए हो और तुम्हारे पास वे सोने के बछड़े भी हैं जिन्हें यारोबाम ने तुम्हारे देवता होने के लिए बनवाया। क्या तुमने यहोवा के याजकों को अर्थात हारून की संतान और लेवियों को निकालकर देश देश के लोगों की नाई याजक नियुक्त नहीं कर लिए? जो कोई एक बछड़ा और 7 मेंढे अपना संस्कार कराने को ले आता तो उनका याजक हो जाता है जो ईश्वर नहीं है, परंतु हम लोगों का परमेश्वर यहोवा है और हमने उसको नहीं त्यागा। और हमारे पास यहोवा की सेवा टहल करने वाले याजक हारून की संतान और अपने अपने काम में लगे हुए लेवीय हैं, और वे नित्य सवेरे और सांझ को यहोवा के लिए होम बलि और सुगंध द्रव्य का धूप जलाते हैं और शुद्ध मेज पर भेंट की रोटी सजाते और सोने की दीवट और उसके दीपक सांझ सांझ को जलाते हैं। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते रहते हैं, परंतु तुमने उसको त्याग दिया है। और देखो, हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर है और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध सांस बांधकर फूकने को तुरहिया लिए हुए भी हमारे साथ है। हे इसराइलियों, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो, क्योंकि तुम कृतार्थ न होगे। परंतु यारोबाम ने घातक को उनके पीछे भेज दिया। वे तो यहूदा के सामने थे और घातक उनके पीछे थे, और जब यहूदियों ने पीछे को मुंह फेरा तो देखा कि हमारे आगे और पीछे दोनों ओर से लड़ाई होने वाली है, तब उन्होंने यहोवा की दोहाई दी और याजक तुरहियों को फूकने लगे। तब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, और जब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया तब परमेश्वर ने अबिय्याह और यहूदा के सामने यारोबाम और सारे इसराइलियों को मारा, और इसराइली यहूदा के सामने से भागे और परमेश्वर ने उन्हें उनके हाथ में कर दिया, और अबिय्याह और उसकी प्रजा ने उन्हें बड़े मार से मारा, यहां तक कि इसराइल में से 500,000 छठे हुए पुरुष मारे गए। उस समय तो इसराइली दब गए और यहूदी इस कारण प्रबल हुए कि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा था। तब अबिय्याह ने यारोबाम का पीछा करके उससे बेतेल, यशाना और एप्रोन नगरों और उनके गांवों को ले लिया, और अबिय्याह के जीवन भर यारोबाम फिर सामर्थी न हुआ। निदान यहोवा ने उसको ऐसा मारा कि वह मर गया, परंतु अबिय्याह और भी सामर्थी हो गया और 14 स्त्रियां ब्याह ली, जिनसे 22 बेटे और 16 बेटियां उत्पन्न हुई। और
अबिय्याह के काम और उसकी चाल चलन और उसके वचन इद्दो नबी की कथा में लिखे हैं।